कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। थोड़ा सा जाना पहचाना सा दीवार जो है जाना पहचानी सी लग रही होगी। तो जी हाँ, मैं अब आ चुकी हूँ घर पर। और मैं अभी शाम को ही आए, हम लोग कितने बजे, 6 बजे समथिंग हम लोग जो है यहाँ पे आ गए थे। और किट्टू जो है सो गई है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आपने देखा कि किट्टू सो रही है और अभी आई है, उसके बाद दूध पीते पीते बस सो गई। और ना आजकल वो ऐसा सोती है, ऐसे गले ऊपर करके सोती है, पता नहीं क्यों। उसको मैं सीधे सुलाती हूँ लेकिन फिर भी वो बार बार ऐसे ही कर लेती है और बार बार ऊपर की तरफ भगती है वो। तो वो ऐसा करती है, अब मैं उसको बार बार अगर करूँगी तो वो उठ जाएगी और रोने लगेगी। इसलिए मैंने सोचा वो सो रही है तो थोड़ी देर सोने देती हूँ। और अब अभी जो है ना घर बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर औरत घर को अगर छोड़ के चले जाए, एक दिन के लिए भी चले जाए, तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सेम वही है, घर बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट मैं ये वीडियो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पहले मैं एक बार कर चुकी हूँ। एक ही चीज़ बार बार शेयर नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। जैसे अगर यूट्यूबर हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही वीडियो, एक ही टॉपिक पर आपको बार बार शेयर नहीं करना चाहिए। और अभी अभी तो बहुत सारे जो है ना, मतलब यूट्यूब के नियम लागू हो गए हैं कि मतलब आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उन्होंने बता दिया है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो यूट्यूब पर। तो इसलिए मैं इसको शेयर नहीं करूँगी। मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैं घर से गई थी और जब मैं आई थी तो घर की हालत कैसी थी, फिर मैंने कैसे करके साफ़ किया, फिर घर को कैसे अच्छा किया। ये वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ तो अभी नहीं करूँगी, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है उसमें आपको जो है ना देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए मैं घर पर थी। अभी तो हम शाम को आए, लेकिन दिन भर जो थी मैं घर पर थी, तो घर पर पता लाइट ही नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो थी ना प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कुछ लोग जो है ना बिल नहीं भर रहे थे। तो ना आके बिजली विभाग के लोग आए थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों के जो है वायर काट दिए। हम लोग जो है, हमारे पापा हमेशा भरते रहते हैं, तो उनके बिल देखा, उनका नहीं था, इसलिए उनका मतलब पूरा बिल जो था क्लियर था, सिर्फ इस महीने का था। तो इस महीने का भी बिल नहीं आया है, तो ये आएगा तो इसको भी भर देंगे। तो वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे, जिन्होंने 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने के पहले का अगर है उनका, 3 महीने अगर हुए अभी अभी नहीं किया तो ठीक है, लेकिन 3 महीने पहले का अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनका जो है कनेक्शन काट दे रहे थे। तो ऐसा था। अब थोड़ा सा वो ऐसा एरिया है ना, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है ना मतलब बिल ही नहीं भर रहे थे, तो इसलिए ना उन लोगों ने आके काट दिया है और मीटर सहित काट के लेकर चले गए हैं। और कुछ लोगों ने जो है तुरंत उनको थोड़े बहुत पैसे जमा कर दिए हैं और उन्होंने उनसे कह दिया कि हम बाद में दे देंगे, तो उनके उन्होंने नहीं काटे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको टाइम पर बिजली का बिल देना चाहिए। और तो यही हुआ, तो बस वो चीज़ें थी। दिन भर लाइट नहीं थी वहाँ पे, तो पता, मैं टॉर्च जला के खाना बना रही थी वहाँ पे, टॉर्च जला जला के। तो टॉर्च जला के मैंने ना एक रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की, एक सब्सक्राइबर है मेरी, उसने जो है, सॉरी उसने बोले सॉरी, उनने, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेंडली हो गई हूँ आजकल, तो हम लोग इंस्टाग्राम पे जो है मैसेज पे बात करने लगे हैं, तो इसलिए ये फ्रेंड जैसे हो गए हैं ना, तो हम लोग ऐसी बात करते हैं, इसलिए मेरे अभी निकल गया उससे मुझसे। बाकी नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी अभी। तो वो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बन चुकी हैं और उन्होंने जो है मुझसे जो है डिमांड करी है, डिमांड ही करी है, उन्होंने बोला है कि मैं आपसे डिमांड कर रही हूँ कि आपने जो दिन फ्राई चावल करे थे तो उसको ना आप अच्छे से एक बार पूरी रेसिपी बताइएगा। तो इसलिए जो है आज मैंने ना मम्मी के यहाँ पर पूरा सामान था और चावल रखा हुआ था, तो आज वही खाने का मन करने लगा मेरा कि मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ना उसमें सब कुछ जो है, यहाँ शिमला मिर्च नहीं था, शिमला मिर्च में डालना चाहती थी पर शिमला मिर्च नहीं था। बाकी जो चीज़ें थी जैसे गोभी, मटर भी अभी नहीं था, बाकी गोभी, सोयाबीन बड़ी, आलू और टमाटर, प्याज, ये सब कुछ डाल के जो है मैंने फ्राई किया था। तो वो रेसिपी जो है ना आप लोगों को अभी जो है देखने को मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, चैनल को, और शेयर जरूर करिए। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और आप लोग चाहो तो इस तरीके से घर पे बनाओगे ना तो एक हिसाब से वेज बिरयानी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ के लोग उसे वेज बिरयानी बोलते हैं और हमारे यहाँ फ्राई चावल बोलते हैं, ठीक है। तो
बस ठीक है, उसे पूरा देखिए उस तरीके से घर पे फ्राई करिए चावल को, तो आपके अगर बच्चे नहीं खाते होंगे तो तुरंत खाना स्टार्ट कर देंगे, आपके अगर हस्बैंड के नहीं खाते हैं तो वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से बनाएंगे। तो एक बार बना के देखिए, आपको खुद पसंद आने लगेगा, आप बार बार बनाओगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद ठीक है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, और क्या कमी है ये भी कमेंट करके बताइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर कोई अच्छा है, अगर कोई अच्छे से बताता है कि दी आपने ऐसा नहीं किया है या आपने निशा ऐसा नहीं किया है, तो मैं उस बात को समझूंगी। लेकिन कोई ऊट पटांग मैसेज करता है जिससे उससे हट के, वीडियो से हट के, तो वो चीज़ें बुरी लगती है। कि वीडियो से मिलता जुलता अगर कोई अपन को सलाह देता है तो उससे अपन को बुरा नहीं लगता है, तो वही है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, और अच्छी लगने पर जो है उसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और रेसिपी एक बार जरूर बना के देखिएगा घर पे, ठीक है। आप अपने बच्चों को खिलाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे वो खाने के बाद। और उनकी जो डिमांड थी, उनका नाम भी मैं बता देती हूँ, उनका नाम है रश्मि, और रश्मि फैमिली चैनल ऐसा करके उनका चैनल है। मैं बहुत टाइम से जो उनसे वहीं पर बात करी, और 3 4 दिन से जो है मैं यूट्यूब पर जो है ना ऑनलाइन नहीं आ रही हूँ, मतलब मैं लोगों से बातचीत नहीं कर पा रही, लोगों के वीडियो नहीं देख पा रही। तो इसलिए नहीं देख पा रही क्योंकि आपको मालूम है मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं वहाँ पे भाई के मोबाइल से, मम्मी के मोबाइल से वीडियो बनाती थी। जब भाई आता था तब भाई के मोबाइल में वीडियो लेकर एडिट करती थी और फिर उसको अपलोड करती थी। और वो 2 दिन से जो है ना वो जॉब पर बिजी था तो वो लेट आता था, तो मैं रात को मैंने वीडियो डाले हैं और उसका नेट खत्म हो जाता है। वो पबजी करके गेम खेलता है, वो उसमें पूरा नेट बर्बाद कर देता है वो। तो थोड़ा बहुत जो नेट रहता है ना उससे मैं अपलोड करती हूँ, तो वो अपलोड ही नहीं हो रही वीडियो, एक एक दो दो घंटे लग रहा है वीडियो अपलोड होने में। तो ना इस वजह से ना बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे दिक्कत हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब घर जाऊँ, कब वीडियो मैं अपलोड करूँ। और खुद का मोबाइल होता है ना तो अच्छा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन क्या करूँ, अब वहाँ पे हूँ और घर पे थी तो अच्छा भी लग रहा था। एक मन ये कर रहा था अरे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब पर डे जो है मैं वीडियो अपलोड करूँगी, पर डे मैं आप लोगों से बातें करूँगी और सब लोगों से अब मैं जुड़ूंगी, सब लोगों के वीडियोज़ देखूंगी। अभी तक के लिए माफ़ कर दो मुझे, मैं वीडियो नहीं देख पाई। लेकिन अभी जो है ना मैं पुराने सारे वीडियो खोल के ओपन करके मैं देख लूंगी सब लोगों के, ठीक है। तो मैं आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिए पूरा और बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो फिर वीडियो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मम्मी पापा दोनों पूजा कर रहे हैं क्योंकि आज सोमवार है और दोनों का व्रत है और दोनों एक साथ पूजा कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना दोनों पूजा करते हैं तो। और मैं जो हूँ खाना बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, किचन में लेके जाती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये गोभी है, मैंने छोटे छोटे गोभी काटे हैं और 2 आलू लिए हैं, और ये सोयाबीन बड़ी जो है उनको मैंने भीगने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो चावल है, कुछ चावल है जो रखे हुए थे, तो वो चावल जो है ना हम लोग फ्रीज में रख देते हैं, जैसे बच जाता है तो फिर उसके बाद जो तल के खा लेते हैं हम लोग दिन में। तो इसको मैंने बहुत टाइम 1 घंटे पहले फ्रीज से निकाल के रख दिया था, ताकि ये जो है ना थोड़ा बाहर रखने से थोड़ा खुल जाएगा मतलब। और यहाँ पे जो प्याज लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं मैंने, और 4 5 मैंने हरी मिर्च लिए हैं, और मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ठीक है। तो 2 टमाटर, 4 5 हरी मिर्च और 2 प्याज, और मैंने लिए थे सोयाबीन बड़ी, गोभी और आलू, ठीक। अगर आपके पास मटर हो तो आप मटर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे तेल डाला था मैंने, तेल मेरा गरम हो चुका है, मैं यहाँ पे जो है गरम पत्ता डाला मैंने, और ये जीरा डाला है मैंने। आपके पास राई हो तो आप राई डाल सकते हो, मुझे राई अच्छी नहीं लगती इसलिए मैंने राई नहीं डाली है। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है इसलिए मैंने प्याज डाल दिया है इसमें, और प्याज जो है डालने के बाद जो हरी मिर्च थोड़ा लेट डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्च थोड़ा हरी हरी रहती है तो अच्छी लगती है, अगर वो जल सी जाती है तो अच्छी नहीं लगती मुझे, तो इसलिए जो हरी मिर्च में उसको थोड़ा लेट डालूंगी, तो इसको लाल होने देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो यहाँ पर जो है हमारा प्याज जो है जब थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा ना, इसके बाद हम इसमें और चीजें डालेंगे। बट मैंने थोड़ा सा ब्राउन हो गया था इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है, आप देख सकते हो। पूरी हरी मिर्च जो है मैं ऐड कर रही हूँ, और क्या है मेरे खांसे में मोबाइल पकड़े हुई हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे जो है ना मैं टॉर्च जला के बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन बड़ी भी ऐड कर दी है, आप देख सकते हो। सोयाबीन बड़ी ऐड कर दोगे ना अगर आप पहले से, तो ये प्याज के साथ ना अच्छे से जो है ना ब्राउन हो जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे और अच्छे लगने लगेंगे, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है।
आप देख सकते हो जितना भी है ना, आप इसको ना गर्म पानी में उबालने की भी जरूरत नहीं होता, गर्म पानी में डालने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा देर पहले 10 मिनट अगर आप पहले अगर आप इसको पानी में रख देते हो ना तो वैसे ही ये भीग जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही किया है और उसके बाद जो है ना इसको हम फ्राई करेंगे, चलाएंगे अच्छे से। मैंने आपको बताया ना कि ये टॉर्च जो है ना, टॉर्च जला के मैं कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा कलर आपको, क्योंकि लाइट नहीं थी। यहाँ पे धीरे धीरे करके इसको चलाना है और आपको गैस ज़्यादा तेज भी नहीं करनी है और ज़्यादा मध्यम ही नहीं, मीडियम में। देख सकते हो बीच बीच में टॉर्च का जो है ना निशान आपको दिखता होगा। तो यहाँ पे जो है ना अच्छे से आप खुद देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन सा कलर आने लगा है इसका, आप खुद देख सकते हो, देखिए है ना ब्राउन कलर आ चुका है इसका वैसे। बट इसको थोड़ा और जो है मैं फ्राई करूँगी, देख। अब मैंने इसमें गोभी ऐड कर दिया है और गोभी देखिए बिल्कुल मैंने बारीक बारीक से काटे हैं, आप देख सकते हो। गोभी और आलू दोनों मिक्स हैं, धोने के लिए मैंने रख दिया था, तो ये दोनों को मैंने साथ में जो है ऐड कर दिया है। अब साथ में इसको हम पकाएंगे, मसाला वगैरह टमाटर अभी नहीं डालेंगे, अगर टमाटर पहले डाल देंगे तो ये इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी इसको ऐसे ही पकाएंगे, जब पक जाएगा थोड़ा मतलब कच्चा रहेगा ना उस समय हम टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी और आप लोगों को मैं बता रही हूँ, टमाटर अगर पहले आप ऐड कर देते हो ना सब्ज़ी में तो सब्ज़ी थोड़ा टाइम लेती है पकने में, और अगर आप थोड़ा बाद में डालोगे टमाटर को तो वो जल्दी पक जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से जो है चलाएँगे, आप देख सकते हो सोयाबीन बड़ी कितनी अच्छी ब्राउन हो गई है, आप खुद देख सकते हो। और मैंने टॉर्च जला के रखा है, लाइट नहीं है इसलिए बार बार वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक ऐसा हो रहा है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच है जो है नमक ऐड कर दिया है, और आप अपने स्वाद के अनुसार जो है नमक ऐड कर सकते हो। अब इसको जो है हम ढका के जो है मध्य से, ज़्यादा मध्य नहीं मतलब मीडियम, उसमें जो है हम इसको पकने देंगे, इसको ढक देंगे हम। तो यहाँ पे बीच बीच में जो है ना मैं इसको चला के भी देख रही हूँ, मैंने ढक दिया था इसे, और ढकने के बाद मैंने इसको अब खोला है, और बीच में जो है मैंने वीडियो को रोक दिया था, उसके बाद अब फिर से जो है मैंने करा है। तो यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी थी अच्छे से जो है पक चुकी थी, थोड़ा सा था इसलिए मैंने अभी जो है इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, और हरी धनिया जो मैंने काट के रखा था उसमें से आधा मैंने अभी डाल दिया है, आधा जब चावल फ्राई हो जाएगा तो लास्ट में जो है इसको मतलब सजाने के लिए मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी जो है मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और धनिया डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें ना आप शिमला मिर्च डाल सकते हो, और भी कोई सब्ज़ी चाहो तो डाल सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे मसाला डाल रही हूँ, 2 चम्मच जो है मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड करना चाहती थी, बट मैंने 1 ही चम्मच ऐड किया है, क्योंकि भाई जो है कम मिर्च खाता है तो इसलिए मैंने मिर्च कम डाली है, और वैसे भी मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है तो वो हो जाएगा। बाकी मैं आपने देखा मैंने 2 चम्मच हरी धनिया पाउडर डाला है, और 1 चम्मच जो है मैंने हल्दी डाली है, और यहाँ पे मैं चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। चिकन मसाला भी 1 चम्मच समथिंग आप ऐड कर सकते हो, धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच समथिंग मैंने हल्दी डाली है, और 1 चम्मच जो है उससे कम ही हल्दी थी, ठीक है। और वैसे भी चावल फ्राई हुए हैं तो थोड़ा इसमें हल्दी ज़्यादा होती है ना तो अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा ऐड करी है मैंने हल्दी। और मैंने 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, क्योंकि हरी मिर्च पहले से ही मैंने डाल चुका है उसमें, तो उसका ज़्यादा तीखी हो जाएगी इसलिए मैंने नहीं किया ऐड। तो अब इसको जो है हम अच्छे से चलाएँगे, अब इसको चलाते रहेंगे, अच्छा पक जाएगा ना ये, जब उसके बाद फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो ये इसको अच्छे से चलाना है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हुई थी, एक हाथ से जो है मैं चला रही थी उसको सब्जी को, तो दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा मुझे, इसलिए आप लोगों को प्लेट ढकाना नहीं दिखा पाई मैं। और यहाँ पे हमारी सब्जी जो है ना ये देखिए मेरी सब्जी पक चुकी थी, इसलिए मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया। मैंने बताया ना आपको कि मोबाइल एक हाथ में था और वो दिक्कत हो रही थी, इस चक्कर में चावल में कैसे डालती, क्योंकि हाथ से प्लेट को पकड़ना पड़ता है फिर डालना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने वीडियो उस डालने का नहीं दिखाया था आपको। चावल जब मैं इसमें ऐड करी तो वो नहीं दिखा पाई थी आपको, बट मैंने अभी आपको दिखाया कि चावल देखिए मैंने इस पर ऐड कर दिया है, और कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है, आप खुद देख सकते हो ना कितना अच्छा लग रहा है कलर, आप खुद देखिए, और बिल्कुल बिरयानी ही है, बिरयानी जैसी लग रही है, आप खुद देखो इसमें कलर डाल दोगे बिरयानी बन जाएगी।
यहाँ पे जो है हमारी वेज बिरयानी समझ लीजिए, या बकरे हुए चावल बोल दीजिए, या फ्राई चावल देख लीजिए, बन चुकी है हमारी चावल, रेडी है और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि हम लोग खाते ही रह गए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। देखिए प्लेट में मैंने निकाल के भी रखा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके जो है बिल्कुल बताना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।